बता रहे हैं कम से कम 17 से 18 किलोमीटर दूर है और ऑटो वाले मांग रहे हैं 400 रुपये। हाँ कम से कम ऐसी गाड़ी आती। एक अक्षर का कितना रुपये लेता है? 2 रुपये का अक्षर है, 20 रुपये की डबल दूरी है बेटा। ऐसे कुछ गाड़ियाँ फिक्स की हुई थी। अच्छा, जो ये अंदर जा सकती थी, बाकी कोई अलाउड नहीं थी गाड़ी। ये अपन लोग ऊपर चलते हैं, ये वाली सीढ़ियाँ है यहाँ से। होटल वाले के उनके जो गेस्ट आए हुए थे ना, उनको ही बाहर अलाउड नहीं कर रहे थे। अच्छा, तो फिर आपने उनको देखा होगा करीब से। तो दोस्तों, आपको मैंने गड़ीसर लेह का थोड़ा व्यू और यहाँ का नज़ारा बता दिया है। फिर उनके खाना वगैरह क्या बना था यहाँ पे? दोस्तों, एक और लिफ्ट मिली है, कोई पानी से टंकी रखी हुई है और गरीब फैमिली थी। फिर भी मतलब ऐसे वो दिख रही है दोस्तों सामने सूर्यगढ़ पैलेस, जहाँ पर क्या रहा करते हैं सेलिब्रिटी, इसलिए भी आते हैं ना कि ये थोड़ा सस्ता पड़ता है, और कोई कारण नहीं है। अच्छा, सस्ता पड़ता है क्या? फाइनली दोस्तों मैं सूर्यगढ़ पहुँच गया हूँ। ये इंटीरियर डिजाइन अच्छा है, फर्नीचर अच्छा है, येलो स्टोन वाइट मार्बल कम्बिनेशन है, होटल बहुत बढ़िया बना हुआ है। अच्छा, अंदर से बहुत ही रोयल होगा। नमस्ते, सलाम, कैम्सो आबाद, राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। एक और नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी मैं हूँ राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट, जिसे गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो आज मैं यहाँ पर आया हूँ और अभी मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यह है रेलवे स्टेशन। और फिल्म जगत के कलाकार खैरा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की शादी यहाँ जैसलमेर के सूर्यगढ़ पैलेस के अंदर हुई थी। तो आज हम लोग जाने वाले हैं सूर्यगढ़ पैलेस, और साथ ही यहाँ पर एक गड़ीसर लेह है, तो वो भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो में एंड तक बने रहे, और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये देखिए मेरे पीछे आप भारत का तिरंगा ध्वज लहरा रहा है जैसलमेर के रेलवे स्टेशन के आगे, और सामने आप देख रहे हैं वो जैसलमेर फोर्ट है। तो चलिए अपन लोग चलते हैं, अभी जो गड़ीसर लेह है रास्ते में आएगी, गड़ीसर लेह भी दिखाएंगे आपको। और यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर दूर है सूर्यगढ़ पैलेस, जहाँ पर सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की मतलब शादी हुई थी गत 7 फरवरी को। तो चलिए वहाँ पर चलते हैं, वहाँ से यहाँ पर लोगों के लोकल लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, और आपको मतलब उस होटल का नज़ारा भी दिखाने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहे, और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये देखिए दोस्तों, यह है जैसलमेर का रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन का बाहर का नज़ारा ऐसा है। तो दोस्तों, मैं अभी रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा हूँ, और यहाँ से बता रहे हैं कम से कम 17 से 18 किलोमीटर दूर है, और ऑटो वाले मांग रहे हैं 400 रुपये। देखते हैं वहाँ पर हम लोग कैसे पहुँच पाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहे आगे। क्या हुआ इतना दूर? यहाँ तो बता रहा मैं 4 किलोमीटर, और आप बोल रहे 17 किलोमीटर। अगर 4 किलोमीटर हो गए मैं आपको फ्री छोड़ दूंगा। अभी हुई थी ना सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की शादी। अरे राइट बात है। हाँ, सूर्यगढ़ 20 से यहाँ मत गूगल मैप पे 4 किलोमीटर। तुम यूँ करो गूगल पे, ये दुनिया हंगे ड्राइवरिंग करे, तुम नीरज बस स्टैंड चुराए ना, उस चुराए पर कहो का किला जाना है, और इसमें ये किले की रोड बताएगी कौन सी पीछे वाली। ये तो पूरे ऐसा है कि जोधपुर बताता है यहाँ से 300, इसमें गूगल पे सर्च करो। गूगल बाबा गलत बताता है क्या? सूर्यगढ़ 20 किलोमीटर। ये जैसलमेर की फेमस है ना, क्या बोलते हैं, लेगा ना। अच्छा, तो यहाँ से मान लो सूर्यगढ़ होटल कितना दूर है? 8-10 किलोमीटर। ये बोल रहे हैं यार ऑटो वाले 17 किलोमीटर 18 किलोमीटर, ऐसे झूठ बोल रहे हैं ना। तो भाई साहब के साथ मैंने लिफ्ट लेके यहाँ पर गड़ीसर लेह आ गया हूँ, और ये रास्ता जाता है इधर गड़ीसर लेह की तरफ, और ये सामने जाता है हेडमोन चौराहे की तरफ, और ये साइड किला रोड है इस तरफ। ये भाई साहब इधर जाता है गड़ीसर लेह की तरफ रास्ता, देखिए आप आया गए बाहर में गड़ीसर रोड का आगे राउंड कर आगे। फाइनल दोस्तों मैं गड़ीसर लेह पहुंच चुका हूं, आप देखिए ये वेलकम कर रहे हैं आपका गड़ीसर लेह जैसलमेर के अंदर, और ये सामने देख रहे हैं ये है मुख्य गड़ीसर लेह का द्वार, और यहां पर आसपास ये देखिए आप ऐसे कुछ आभूषण मिल रहे हैं, और इधर ये नाम लिखने वाले बैठे हैं। देखिए एक अक्षर का कितना रुपये लेता है? 2 रुपये का अक्षर है, 20 रुपये की डबल दूरी है बेटा। अच्छा, नाम लिख के दे दो, आपको भी बना के दे देंगे। नहीं नहीं, मुझे नहीं बनाना, मैं तो पूछ रहा हूँ कि कितने का अक्षर है। थैंक यू। ये देखिए गड़ीसर लेह का बाहर का एंट्रेंस,
और भाई साहब इधर देखिए आप, टूरिस्ट के लिए एक आकर्षण केंद्र है ये जैसलमेर गड़ीसर लेक। तो दोस्तों बोटिंग के लिए इस रास्ते से जाते हैं, जो पर्सन बोटिंग करता है वो यहाँ से टिकट लेके और उसके बाद में इधर जाते हैं, बाकी वाले पर्सन ऊपर जो देखने के लिए हैं वहाँ जा रहे हैं। मैं आपको टिकट बता देता हूँ यहाँ का बोटिंग का क्या टिकट है, देखो बोटिंग मुझे करनी है नहीं, चलिए अपन लोग ऊपर चलते हैं। ये वाली सीढ़ियाँ हैं यहाँ से और आपको ऊपर का नज़ारा दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों गड़ीसर लेक का शानदार नज़ारा, जो मानव निर्मित झील है। जैसलमेर के अंदर पानी की किल्लत थी, उस हिसाब से राजा महाराजा ने इस झील का निर्माण कराया था। लगभग 1100 की ईस्वी के अंदर इस झील का निर्माण हुआ था और 1600 ईस्वी के अंदर इसका पुनर्निर्माण हुआ था। रावल गढ़ सिंह करके उनका राजा का नाम था, उन्होंने कराया था, उसके बाद में इसका नाम गड़ीसर लेक पड़ गया था। देखिए आप, चलिए आपको ऊपर चल के ऊपर के थोड़ा नज़ारा दिखाता हूँ। और इधर राजस्थानी कलाकार ये देखिए दोस्तों गड़ीसर लेक का शानदार नज़ारा। और यहाँ पर बहुत सारी मूवी शूट हो रखी है, जिसमें से मेला फिल्म भी है यहाँ पर शूट हो रखी है और बहुत सारी फिल्मों के सॉन्ग और मूवी इस जगह पर शूट हो रखी है। तो कोशिश करूँगा आपको यहाँ पर फिल्म लोकेशन मैच कराने की किसी और वीडियो में, ऐसा नज़ारा है। और अभी अपन लोग चलते हैं उस सूर्यगढ़ पैलेस की तरफ, वो भी काफ़ी दूर बता रहे हैं उस हिसाब से, और वहाँ का नज़ारा देखते हैं, अंदर जाने देते हैं या नहीं देते हैं सूर्यगढ़ पैलेस, जहाँ पर केरा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की हाल ही 7 फरवरी को शादी हुई थी। तो दोस्तों आपको मैंने गड़ीसर लेक का थोड़ा व्यू और यहाँ का नज़ारा बता दिया है। अब वीडियो बड़ा हो जाए इसलिए मैंने सोचा जल्दी पहले आपको जिस वीडियो जो चीज़ आप देखने के लिए आए हैं वो दिखाते हैं आपको। सूर्यगढ़ पैलेस की तरफ चलते हैं और वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं, जहाँ पर उनकी शादी हुई थी अभी सिद्धार्थ मल्होत्रा और केरा आडवाणी की। यह है दोस्तों जैसलमेर फोर्ट का नज़ारा, आप देखिए। दोस्तों गड़ी से घूमने के बाद मैं बाहर आया और एक भाई साहब आ रहे थे इधर, तो काफ़ी दूर तक ले आए हैं पता नहीं इसे। अब आगे इधर आगे बता रहे हैं कोई लिफ्ट मिल जाए तो और अच्छी बात है, यहाँ कोई साधन आए तो अभी देखते हैं। और यहाँ तक तो आ गए, देखिए यहाँ की ऐसी लोकेशन है ये। दोस्तों एक और लिफ्ट मिली है, कोई पानी से टंकी रखी हुई है और गाड़ी जा रही है उधर, देखते हैं कहाँ तक ले जाते हैं ये लोग। ये आगे रोड जाते हैं सनसेट की तरफ। दोस्तों अभी मूल सागर पहुंचा हूं और जो मैं गाड़ी में चल के आया हूं भाई साहब, पानी जो यहां पर कोई है और होटल उसके अंदर पानी सप्लाई कर रहे हैं, फिर बाद में वो बोल रहे हैं आगे चलेंगे आपको छोड़ देंगे वहां पर। जो पानी के कैंपर भरने के लिए गाड़ी आ रही थी वो तो यहाँ पर उतार दिया है। ये मोड़ जाता है इधर कुलधरा की तरफ, जो घूमता का गांव या ऐसा कुछ बोलते हैं कुलधरा, तो सारा सी गांव खाली हुए थे ना रातों रात, वो इस तरफ ये रास्ता जा रहा है। और उधर सामने दिख रहा है 1 किलोमीटर आगे मेरे को वो होटल तो दिखाई दे रही है, पर अब देखते हैं कोई साधन वगैरह मिल जाए तो बढ़िया है। वो दिख रही है दोस्तों सामने सूर्यगढ़ पैलेस, जहाँ पर केरा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की शादी हुई थी। कम से कम 1 किलोमीटर दूर है, अभी वहाँ जा रहा हूँ, देखते हैं। इधर ये सामने है सूर्यगढ़ और इधर एक और पोल है गेट वगैरह होगा अंदर जाने का। दोस्तों इधर एक और ये दरवाज़ा है, होटल के चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवार है, जैसे किले या गढ़ के आसपास होती है ना उस प्रकार।
फाइनली दोस्त मैं सूर्यगढ़ पहुंच गया हूं। ये देखिए ऊपर बोट और इधर ये सूर्यगढ़ होटल है, आप देख सकते भव्य प्रवेश द्वार देख सकते हैं आप। वहाँ थोड़े पास में जाते हैं, पूछते हैं क्या बोलते हैं वो लोग। ये सूर्यगढ़ की होटल की पर्सनल गाड़ियाँ आप देख सकते हैं, सभी लग्जरीज गाड़ियाँ देख सकते हैं, सब फॉर्च्यूनर BMW महंगी महंगी गाड़ियाँ। इसके अंदर जो गेस्ट वगैरह आते हैं ना उनको घुमाने के लिए इधर डेजर्ट वगैरह में। ये वाली होटल है दोस्तों सूर्यगढ़ पैलेस, जिसके अंदर कायरा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की शादी हुई थी, देख सकते हैं आप। यह है गार्ड साहब और फुल सिक्योरिटी है, अंदर जाना अलाउ करते नहीं है, देख सकते हैं आप। और इधर बाहर तो वगैरह खड़ी है और बड़ी मकसद से यहाँ पहुँचा था। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये ऐसा लुक है, शाही रॉयल लुक, जहाँ पर सिद्धार्थ मल्होत्रा और कायरा आडवाणी की शादी हुई थी पिछले 7 फरवरी को। तो ये वाली वो लोकेशन है, देख सकते हैं आप यहाँ के नगेजा। और यहाँ पर भाई साहब बहुत ही महंगे रूम है और रुकने के लिए बहुत ही ज़्यादा किराया है, देख सकते हैं आप। हर गाड़ी को चेक करके अंदर लिया जाता है। दोस्तों अभी मैंने आपको सूर्यगढ़ होटल के बारे में दिखाया था होटल, और ये मेरे साथ में जो लोग खड़े हैं इनकी गाड़ियाँ यहाँ मतलब उस शादी प्रोग्राम के अंदर इनकी गाड़ियाँ लगी हुई थी सबकी। तो भाई साहब मतलब आपकी गाड़ी भी लगी हुई थी यहाँ? जी बिल्कुल। जब शादी हो रही थी तब आप अंदर थे क्या? नहीं हम नहीं गए अंदर, नहीं गया अंदर, कोई अलाउड ही नहीं था। मतलब उनके जो पर्सनल गेट से हाँ सिर्फ 10 गाड़ियाँ लगी हुई थी परमानेंट। अच्छा वही अलाउड थे, बाकी कोई अलाउड नहीं था। अच्छा जो उनके पर्सनल गेस्ट थे वही थे अंदर है। हाँ। तो इस होटल का मतलब चार्ज वगैरह क्या है, रूम वगैरह? रूम का चार्ज होटल वाले से आप पूछो, चार्ज तो अलग नीचे होता है। अच्छा मतलब महंगी होटल है सबसे, ये सबसे महंगी जैसे नंबर वन ये होटल है सूर्यगढ़। अच्छा तभी तो इतने दूर से आकर यहाँ पर शादी की उन्होंने। रेट ऊपर नीचे होता रहता है सीजन के हिसाब से। अच्छा सीजन के हिसाब से, फिर भी मतलब नॉर्मली एक रूम लेके कितना है? 25,000 से स्टार्टिंग है। अच्छा 25,000 से स्टार्टिंग है। आपकी गाड़ी भी लगी हुई थी उस दिन क्या शादी में? वो जब जैसे अभी हीरो हीरोइन की शादी हुई थी, बड़े लोगों के लगाते नहीं, हम गरीब इसीलिए शिकायत लेके आए। अच्छा यूट्यूब वाला वीडियो बनाओ कहना शिकायत गरीब की। ये इधर बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी है, इनमें से कुछ गाड़ियाँ यहाँ पर लगी हुई थी उन जो कायरा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की शादी थी उसके अंदर। लवरों का पास बना हुआ था, अलाउड थे, बाकी वाले कोई अलाउड नहीं थे। अच्छा जो जो ड्राइवर के पास है ना अलाउड, वो अलाउड थे, बाकी किसी को फोटो वोटो खींचने का कोई अलाउड नहीं था। सब फोन ऑन है ना कैमरे के, ऐसे कोई नॉर्मल आदमी इसके अंदर नहीं जा सकता बुकिंग करे बिना? नहीं नहीं ऐसे कोई नहीं जा। तभी अभी मैं गेट पे गया तो मेरे को मना कर दिया था। ऐसे कोई नहीं जा सकता, जैसे बुकिंग आप कर सकते हो पहले रेस्टोरेंट में आप। क्या बुकिंग के बिना अंदर बड़ा कोई भी है वो भी नहीं जा सकता है? अच्छा सही, कितना भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा हो। ये देखिए, चलो जी धन्यवाद। कलेक्टर आए ना तो भी अलाउड नहीं था। अच्छा उस शादी के अंदर कलेक्टर आए तो भी अलाउड नहीं था? नहीं था। कलेक्टर मीडिया वीडिया कोई भी अंदर कोई नहीं। हाँ मीडिया वाले सभी बाहर ही खड़े थे यहाँ पर। दोस्तों आपने देखा होगा मीडिया वाले सब यहाँ बाहर से रिपोर्टिंग कर रहे थे, इस जो ये मैं अभी बड़े वाले आपको पोल दिखाई थी वहीं से वो रिपोर्टिंग कर रहे थे मीडिया वाले। और इसी जगह पे अंदर किसी पर्सन को अलाउ नहीं था। और अभी मैं भी वहाँ अंदर गया तो मेरे को उसकी सिक्योरिटी वाले खड़े थे, उन्होंने मना कर दिया भाई साहब अंदर नहीं जाना है। ये देखिए उस होटल का नज़ारा यहाँ से, और राजस्थान की रॉयल महंगी होटल है, मतलब स्टार्टिंग रूम का किराया है 25,000 और महंगे से महंगे 2,00,000, 2.5 लाख, 3 लाख तक किराया है। तो इस प्रकार यह है सूर्यगढ़ पैलेस, राजस्थान की महंगी होटल। लोग बता रहे कम से 250 से 300 गाड़ियाँ इसमें लगी हुई थी। तो ऐसा नज़ारा है भाई साहब यहाँ का। मेरे को ये भाई साहब जो गाड़ी का ड्राइवर वगैरह है जिनकी गाड़ी इधर लगी हुई थी वो वापस बुला रहे हैं, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। और इधर ये भाई साहब सूर्यगढ़। हाँ जी सर, वकील साहब ले आए क्या बोल रहे थे? हाँ इसको मैंने अभी गाइड किया है, लेकिन 70-80 गाड़ियाँ लगी हुई थी। अच्छा 70-80 गाड़ियाँ लगी हुई थी, सब लग्जरी गाड़ियाँ थी? सब लग्जरी। अच्छा कंपनी की थी तो मतलब एयरपोर्ट से जो उनके गेस्ट वगैरह आ रहे थे उनके लिए पर्सनल गाड़ियाँ हैं सूर्यगढ़ से लगी हुई थी या नहीं? सब यहाँ से प्राइवेट कंपनियों से लेते हैं इवेंट का ठेका वगैरह। अच्छा वो देते हैं गाड़ियाँ। हाँ कम से कम 80 गाड़ियाँ थी। 80 गाड़ियाँ जिसमें से ये भी कुछ गाड़ियाँ थी उसके अंदर शामिल है ना? कुछ गाड़ियाँ फिक्स की हुई थी। अच्छा जो अंदर जा सकती थी, बाकी कोई अलाउड नहीं थी गाड़ियाँ। बाकी गाड़ी अलाउ नहीं थी? नहीं। अच्छा ऐसे नहीं कोई लोकल पर्सन यहाँ का अंदर जाए कि हम उनके फैन हैं? कोई भी आ जाए, कोई अलाउड नहीं था। नहीं वो कोई ऐसे बोले कि हम उनके फैन हैं अंदर जाने दो?
होटल वाले के उनके जो गेस्ट आए हुए थे ना उनको बाहर अलाउड नहीं कर रहे थे। अच्छा, वो अंदर का अंदर और बाहर का बाहर, बाहर का बाहर, इतना ही सिस्टम। गेस्ट थे ना जो आए हुए, वो भी बाहर नहीं आ सकते थे। सही बात है। चलिए जी, थैंक यू। कौन सी ये वाली गाड़ी? ये गाड़ी देखिए आप, ये गाड़ी उसके अंदर मतलब फिक्स लगी हुई थी। इनका वो कार्ड बना हुआ था, आपकी गाड़ी उस दिन शादी के अंदर लगी हुई थी क्या? जी जरूर। किस हिसाब से लगती? आप कंपनी से हो या फिर मतलब? मैं कंपनी से हूं। या पर्सनल गाड़ी है? नहीं पर्सनल। अच्छा, कंपनी का पूरा टेंडर लगता है उसके अंदर। चलो जी, ना तो फिर आपने उनको देखा होगा करीब से? हाँ, बहुत करीब से। अच्छा, तो आप मतलब वहाँ एयरपोर्ट से किसी गेस्ट को सड़ा के लेकर आए थे यहाँ तक? अच्छा, अच्छा दस गाड़ियाँ। अच्छा, चलो जी, बढ़िया बढ़िया। अच्छा अच्छा, पहले पास बनवाया था, बाकी फालतू किसी अंदर किसी को अलाउ नहीं कर रहे थे। अच्छा, अंदर का अंदर और बाहर का बाहर ही। फिर उनके खाना वगैरह क्या बना था यहाँ पे? खाना तो हमें तो अंदर जाने ही नहीं दे रहे थे। फिर भी क्या खाना था? मतलब आपको वहाँ खाने वगैरह का मौका नहीं मिला खाने का? नहीं मिला। गरीब फैमिली थी। फिर भी मतलब गरीब फैमिली थी। अच्छा, इस हिसाब से ये बोल रहे मतलब गरीब फैमिली थी इसलिए हमको इन्वाइट नहीं किया, हमारे बराबर के वो लोग नहीं थे। होटल बहुत बढ़िया बना हुआ है। अच्छा, अंदर से बहुत ही रॉयल होगा। रॉयल, बहुत पैसा खर्च किया है। अच्छा है। जी, तभी तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी है यहाँ पर शादी करते हैं। सेलिब्रिटी इसलिए भी आते हैं ना कि ये थोड़ा सस्ता पड़ता है, और कोई कारण नहीं है। अच्छा, सस्ता पड़ता है क्या? मतलब लोकेशन से आउट है और उसके बाद में बढ़िया है? हाँ, बढ़िया भी है, और जिस हिसाब से बना उसमें काफी सस्ता पड़ता है उन लोगों को। अच्छा, इसलिए आते हैं। अंदर से तो आपने देखा ही है काफी रॉयल होगा होटल। पैसा बहुत खर्च किया है, ऑयल है, आपको इंटीरियर डिजाइन अच्छा है, फर्नीचर अच्छा है, येलो स्टोन व्हाइट मार्बल कॉम्बिनेशन। एक बात और है, जैसे अभी उन्होंने यहाँ पर शादी की तो इसकी थोड़ी बहुत वैल्यू और बढ़ गई है। नहीं नहीं, यहाँ कोई शादी थोड़ी होती है, यहाँ तो हजारों शादी है, बहुत अमीर आदमी आ रहा है। नहीं, अमीर आदमी आता है एक, मतलब लोगों को लोग जानते हैं जिनको सेलिब्रिटी होते हैं। नहीं नहीं, ऐसा है कि यहाँ पे बहुत गुजराती है, वो शादी करता है यहाँ पे, यही नहीं कर रहा है। अच्छा, तो गुजराती की वजह से ही ये पॉपुलर हो रहा है। अब हम फेसबुक है, सोशल मीडिया पता चलता है। अच्छा, गुजराती जो भी यहाँ पर शादी करते हैं बिजनेसमैन, तो वो क्या है, उसकी वजह से मैसेज आ रहा है ना। अच्छा, तो उदयपुर भी करता है, जैसे ज्यादा अमीर होगा तो उदयपुर कर लेगा, कहीं और भी कर लेगा ना। सही बात। तो बात ये, तो जैसलमेर इसलिए आते हैं, थोड़ा सस्ता पड़ता है, दूर है सिटी से। सिटी से दूर, इसलिए ये तो बात करनी पड़ेगी। मगर फाइव स्टार प्रॉपर्टी, जैसे नॉर्मल आदमी को इसके अंदर अलाउ नहीं कर रहे। नहीं नहीं, अगर आपका कोई है जाना आना तब जाएंगे, ऐसे नहीं वो लेट करेंगे आपको जाने के लिए। बिल्कुल सही सही। अगर आपके साथ गेस्ट है, मैं गेस्ट के साथ जा सकता हूँ, उसके रूम में भी जा सकता हूँ। मतलब यहाँ गेस्ट की क्या प्रक्रिया रहती है? पहले मतलब बुक करते हैं एक दो दिन पहले, यहाँ पर हाथों हाथ बुक होता है? अगर खाली होगा तो हाथों हाथ दे देगा। अच्छा, तो हाँ, हम तो कंपनी से है, कंपनी अपने आप लेती है, कंपनी का स्पेशल रेट होता है ना। अच्छा, तो उसके हिसाब से वो बात करते हैं। और इसका भी सीजन के हिसाब से रेट अप डाउन होता है? हाँ, गर्मियों में अब अगले मार्च महीने से 50% डाउन हो जाएगा। अच्छा, सर्दियों में रेट डबल है। अच्छा, हमारा यहाँ पे इस टाइम करीब करीब 12-1000 रुपए का रूम होगा, 10 से 12। वो तीन दिन पहले गोरबंद है, सबसे पुराना है, और होटल है, हम तो रेगुलर आते हैं, हम तो बहुत टाइम से आ रहे हैं। सही बात। ये तो अभी बना नहीं, यहाँ के लोकल लोग बता रहे थे, मतलब हर किसी को अंदर नहीं कर रहे थे अलाउ। नहीं नहीं, वो ऐसा है, होटल की पॉलिसी होती है ना, वो तो है, मेला तो है नहीं। सही बात। वो ही आदमी जाएगा जो स्टे करता है, स्टे करता है। हाँ, या फिर ड्राइवर है, जैसे वो गेस्ट के साथ वो भी तक जाता है, जा सकता है, उसको कोई समस्या नहीं है। सही बात। ये बात है, क्योंकि सिक्योरिटी के चक्कर से वो थोड़ा सा, इतने लोग आए हुए हैं, कल को कोई बातचीत हो जाए तो समस्या खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल सही बात। इसलिए चलो जी, धन्यवाद। चलो। तो दोस्तों, मैं अभी सूर्यगढ़ के आगे जैसे ही वापस जैसलमेर की तरफ जा रहा था, तो ये भाई साहब मिले थे, मेरे को लिफ्ट दे दिए, और अभी मैं जैसलमेर की तरफ वापस जा रहा हूँ। तो कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो, जिसमें मैंने आपको सूर्यगढ़ होटल के अंदर तो जाने नहीं दिया, पर बाहर से आपको दिखाया भाई ऐसा लुक है उस रॉयल होटल का। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक ओके बाय, टिल देन टेक केयर।